जन्म जयंती, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती का ये महीना है और इस महीने में न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के सभी राज्यों और विश्व के अलग अलग देशों में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस बार भी एक एक दिन में चार चार पाँच पाँच प्रोग्राम होते हैं जहाँ बाबा साहब की जयंती का समारोह होता है। हर व्यक्ति जो इस देश के दलित बहुजन समाज का व्यक्ति है और जागरूक लोग भी जो जाति से दलित नहीं है लेकिन पढ़े लिखे हैं, जो बाबा साहब की महत्ता को समझते हैं, जैसे कि आज की सभा में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, नर्सिंग स्टाफ आए हुए हैं और जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो लोग बाबा साहब की महत्ता को समझते हैं वे सभी लोग बाबा साहब के जन्म जयंती समारोह का आयोजन करते हैं। और एक अकेले बाबा साहब ऐसे हैं कि पूरा अप्रैल महीना बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, कोई गीत गाकर, जैसे अभी हमारे यहाँ पर जो गायन मंडली बैठी हुई है उन्होंने किस तरह से गाने बजाने के माध्यम से, म्यूजिक संगीत के माध्यम से अपनी भक्ति भावना बाबा साहब के प्रति प्रकट की। एक बड़ा समा बन गया, सभी लोग उस पर मन ही मन थिरकने लगे, सोचने लगे, एक माहौल ऐसा बन गया कि ऐसा लगा कि हम जैसे बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं और हम अकेले ही नहीं दे रहे हैं, दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में, विश्व के सभी, लगभग सभी देशों में हमारे हम लोग बाबा साहब के अनुयायी मौजूद हैं और बाबा साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कोई तो बात होगी उनमें की 127वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। एक बार 100 वर्ष पूरे हुए थे, फिर 150 भी होंगे, 200 भी होंगे, मेरे ख्याल है 500,000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे बाबा साहब की जन्म जयंती को हम इससे भी ज़्यादा और जोर शोर से मनाया करेंगे। और तब सभा में सिर्फ दलित बहुजन समाज के लोग ही नहीं होंगे, इस देश का हर वो नागरिक होगा, हर वो सदस्य होगा जो बाबा साहब के योगदान को आत्मसात करते हुए बाबा साहब की विचारधारा को अपना लेगा। वो दिन दूर नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने जिस संविधान को रचा था आज उस संविधान को बचाने की एक बड़ी मुहिम चल पड़ी है। जगह जगह पर लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने निकले हुए हैं, संविधान बचाओ मुहिम है, कहीं संविधान बचाओ आगाज है, कहीं उत्थान रैली है, कहीं हुंकार रैली है, जगह जगह पर संविधान को बचाया जा रहा है। लेकिन संविधान को बचाने की जरूरत क्यों आज पड़ी, कभी सोचा है यह संविधान में है क्या, कभी जाना है संविधान? जैसे कि अभी कहा कि धर्म ग्रंथों के साथ साथ संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए था। यदि संविधान को धर्म ग्रंथों के साथ साथ पढ़ाया जाता या धर्म ग्रंथों के साथ न भी पढ़ाया जाता, क्योंकि धर्म ग्रंथ कभी स्कूली शिक्षा में कभी नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन स्कूल में जिस तरह गखगा पढ़ाए जाते हैं, अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, बच्चों को समाजशास्त्र की शिक्षा दी जाती है, राजनीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती है और छोटी पहली क्लास से ही, दूसरी तीसरी क्लास से ही अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराया जाता और दूसरे के कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराया जाता तो आज संविधान को बचाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन संविधान को बचाने की आज इतनी बड़ी जरूरत आज पड़ी कि उसके साथ एक बहुत छिपे तरीके की राजनीति होने लगी, जो जितनी छिपी थी उससे भी ज़्यादा उजागर हो गई और हमें स्पष्ट होने लगा कि जिन लोगों के हितों में संविधान के प्रावधान हैं उन लोगों के हितों का ही आज हनन हो रहा है। हम लोग इस देश के जो बहुजन मूल निवासी हैं वो लगभग 85% आबादी के लोग हैं और हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यूं तो संविधान में हमारे सभी अधिकार सुरक्षित हैं और जो जो अधिकार हैं उनको अनुपालन करने के लिए समय समय पर ऐसे अत्याचार निरोधक कानून भी बनते रहे हैं, कानून बनते भी रहे हैं, कानून बिगड़ते भी रहे हैं, कानून संशोधित भी होते रहे हैं। लेकिन यदि कानून को या संविधान के प्रावधानों को प्रारंभ से ही सही से पढ़ाया जाता, सही से लागू किया जाता तो कोई कारण नहीं था कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार उस संविधान को लागू करने के लिए सक्षम हो सकती थी। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो,
यदि उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो संविधान अच्छा साबित होगा। और ये भी कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको लागू करने वालों की नीयत खराब है तो कितना भी अच्छा संविधान हो वो खराब साबित होगा। तो बात यहाँ नीयत की आ जाती है, और नीयत सिर्फ तभी सही हो सकती है जब उस नीयत का हकदार कौन है वो अपने अधिकारों को जानता हो। तो आज अपने अधिकारों को जानने का समय आ गया है। अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जो इंसानियत के अधिकार हैं, कोई भी ऐसा विशेष अधिकार नहीं है। हर इंसान को अधिकार है समानता का, हर इंसान को अधिकार है कानून के समक्ष समान होने का, हर इंसान को अधिकार है समान शिक्षा का, समान रोजगार का, समान अवसर का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। सभी तो है नियत में, उस नियत को बदलने के लिए अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना जरूरी है। आप लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को। बाबा साहब का जो विचार था वो सिर्फ समान अधिकारों के लिए ही नहीं था, इंसानियत के, मानवता के अधिकारों के लिए ही नहीं था, उन मानवता के अधिकारों को लागू न होने देने के लिए एक बहुत बड़ी जो कमी थी हमारे हिंदू समाज में, भारतीय समाज में, वो थी जाति व्यवस्था। बाबा साहब उसी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे और एक जाति विहीन समाज चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, रंग रस्म क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंची नीच ना हो, कोई शोषण और उत्पीड़न ना हो। बाबा साहब अपने जीवन काल में संघर्ष करते करते चले गए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के प्रावधान भी संविधान में दे गए। आज जाति उन्मूलन के नाम पर, जाति निरोधक के नाम पर बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, पर बावजूद इस देश में हमारी मानसिकता में जाति भरी हुई है। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि हम जाति से उत्पीड़ित लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने अधिकारों के लिए हम आए दिन प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन समाज का एक ऐसा तबका जो इस तथाकथित छोटी जातियों में नहीं पैदा होता, उसको हम संवेदनशील बनाएं तो जाति का ये मसला बहुत जल्दी आसानी से हल हो सकता है। और उसको संवेदनशील बनाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर वो योग्यता, काबिलियत हासिल करें जो बाबा साहब के अंदर थी, यानी कि शिक्षा हासिल करें, शिक्षित होकर हम आगे बढ़ें, अपने योग्यता से, अपनी कर्मठता से इस समाज के सभी तबकों को ये हम एहसास दिला दें कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं, कि हमारे अंदर भी वो योग्यता है जो किसी भी तथाकथित ऊंची जाति के व्यक्ति में होती है। इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब भी कोई ऐसी सभा सम्मेलन हो जहाँ पर बाबा साहब का नाम लिया जाए तो समाज के हर जाति धर्म संप्रदाय के हर जाति के व्यक्तियों को वहाँ होना जरूरी है, क्योंकि मंच के माध्यम से जो बात कही जाती है वो सीधे दिल में उतरती है। और मंच के माध्यम से जब बाबा साहब के इंसानियत के मिशन, मानवता के मिशन की बात होगी तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके मन में बाबा साहब के प्रति वही श्रद्धा जागेगी जो हम लोगों के मन में है, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो मेरा यही मिशन है कि हम लोग देश के घर घर में जाएं, हर बच्चे बच्चे को बाबा साहब के विचारों से हम प्रभावित करें कि बाबा साहब ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने इस देश के हर व्यक्ति के समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इससे भी बड़ा संघर्ष उन्होंने हम महिलाओं के लिए किया, और महिलाएं भी सिर्फ दलित समाज की महिलाएं नहीं थी, वो हर जाति की महिलाएं थी, क्योंकि इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न न सिर्फ समाज में होता था बल्कि घर में भी होता था, और मुझे लगता है आज भी होता है। आज भी महिलाओं को वस्तु समझा जाता है, उनकी बुद्धि को, उनकी योग्यता को सिर्फ इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि वो महिलाएं हैं, और महिलाओं को शायद उनको भी ये लगता है कि वो पुरुषों से किसी भी तरीके से कम है, और एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह अपने ही देश में जीने को मजबूर होती है। बाबा साहब ने उन्हीं महिलाओं के समानता के अधिकारों के लिए हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से, जब वो कानून और विधि मंत्री थे, हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से महिलाओं की समानता के अधिकारों का प्रावधान किया था कि हर महिला को समान काम के घंटे, समान वेतन, समान शिक्षा, प्रसूति अवकाश और समान रूप से अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के अवसर दिए जाएं।
महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिले, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले, महिलाओं को उत्पीड़न के मामले में तलाक का भी अधिकार मिले। बाबा साहब ने हर वो प्रावधान महिलाओं के लिए किया था जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। और ये काम उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं किया था, उन्होंने इस देश की हर महिला की समानता के और मान सम्मान के लिए संघर्ष किया था। लेकिन जब संसद में बाबा साहब के प्रावधान दिए गए हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को नहीं माना गया, तब बाबा साहब ने हम सभी महिलाओं के मान सम्मान की सुरक्षा के नाते कानून और विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था। इस बात को इस समाज की, हमारे देश के समाज की कितनी महिलाएं जानती हैं, चाहे दलित महिलाएं तो जानती हैं। मेरा अनुरोध उन बहनों से भी है जो तथाकथित उनकी जाति की है, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आज समाज में जो समानता और सम्मान के अधिकारों के साथ वो रह रही है, उसके नीचे बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को जाता है और बाबा साहब के त्याग और संघर्ष को जाता है। बाद में हिंदू कोड बिल के सभी प्रावधान अलग अलग कानूनों के माध्यम से हम सभी महिलाओं को मिले, लेकिन इससे बाबा साहब के उस त्याग और उस संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता जो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में किया। आज भी बाबा साहब की 127वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज दिल्ली के PSI हॉस्पिटल के प्रांगण में आप सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं और मैनेजमेंट के लोग हैं और हमारे मिशन के बहुत सारे अनुयायी साथी भाई लोग हैं जो अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हम सभी लोग बाबा साहब से जुड़े हुए हैं किसी न किसी जीवन में, किसी न किसी हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है कि हम बाबा साहब के प्रति बहुत पूरी तरह से समर्पित हैं। तो हम समर्पित होने के बाद आज हमारे अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए बाबा साहब की विचारधारा को हम लोग संगठित होकर पूरा करें। बाबा साहब ने जो तीन नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन तीनों नारों में जीवन का पूरा सत्य छुपा है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, ज्ञान की पहली सीढ़ी है, शिक्षा हासिल करना जरूरी है और शिक्षा के समानता के अधिकारों की पहली शर्त है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे। आज के इस शिक्षित समाज में जो हम यहाँ मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं, बाबा साहब के प्रति हम श्रद्धांजलि देते हुए जो जागरूकता, जो अवेयरनेस हमारे अंदर है, उस जागरूकता को हम आसपास के समाज में भी पहुँचाने का काम करें, तभी हमारे शिक्षित बनने का सही मायना होता है। इसके अलावा हम लोग कहीं ना कहीं, वैसे तो हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं सभी लोग। दिल्ली के तो बहुत कम लोग होते हैं, लोग या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, या हरियाणा के हैं, या पंजाब के हैं, या राजस्थान के हैं, क्योंकि दिल्ली से ये सभी राज्य आसपास जुड़े हुए हैं और हम में से ज़्यादातर लोग इन सभी स्टेट से हैं, सभी राज्यों से। कुछ लोग बाहर से भी हैं, साउथ से भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जड़ें हैं वो गाँव में हैं और हम गाँव से जुड़े होने के नाते जब हम पढ़ लिख करके शहरों में रहते हैं, खास तौर पर दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी में रहते हैं, तो हमें अपने अंदर वो गौरव महसूस होता है कि हम पढ़े लिखे हैं और हम लोग एक अच्छे नौकरी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से कहीं कट जाते हैं। आज देश का 80% आबादी गाँवों में रहती है और गाँवों में ज़्यादातर जो दलित पिछित हैं उनके अधिकार आज भी बहुत कम पूरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी ज़रूरत है कि हम शहर में रहें लेकिन अपने गांव से, अपने रूट से, अपनी जड़ों से ना हम कट जाएं। तो जब भी आप अपने गांव में, अपने आसपास वहां पर देखें कि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां जाकर आप ज़रूर उसको, वहां जाकर संघर्ष में शामिल हों, उनके साथ काम करें, उनके लिए, उनकी जागरूकता के अधिकारों के लिए आप लोग लड़ें। मैंने भी अपने जीवन में, मैं भी गाँव से हूँ और मैंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है। आज जीवन के उस मुकाम पर खड़ी हूँ कि अपने संघर्ष के साथ साथ अपने समाज के लोगों के लिए भी संघर्ष करने का मादा रखती हूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले गांवों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना चाहती हूँ और करा भी रही हूँ। और सरकारी नौकरी में रहते हुए बाबा साहब की विचारधारा को घर घर लेकर चली हूँ। सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति के मन में समानता के और मान सम्मान के लिए जागरूकता पैदा कर दूं, ताकि इस देश में बाबा साहब का जो लोकतंत्र का सपना था
यानी कि सामाजिक रूप से सब व्यक्ति समान हो, आर्थिक रूप से सब व्यक्ति समान हो, और राजनीतिक समानता का अधिकार तो बाबा साहब ने हमें दिया ही था। तो किसी भी अधिकार का हनन न होने पाए और समग्र लोकतंत्र का बाबा साहब का सपना जरूर पूरा हो, उसी लोकतंत्र के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। आपके बीच में निस्वार्थ आई हूँ और अपने माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को देश के घर घर में पहुँचाना चाहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आज अपने व्यस्त समय में से यहाँ पर बैठकर हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।